मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो हम आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है बाय पार्ट्स मेथड बेटा, इसका यूज तब किया जाता है जब दो फंक्शन मल्टीपल में हो। व्हेन टू फंक्शंस आर इन मल्टीपल, देन यूज बाय पार्ट्स मेथड। यानी जिन पुराने तरीकों से काम ना चले, सब्स्टिट्यूशनल मेथड से काम ना बने, किसी और तरीके से काम नहीं बने, और जो दो फंक्शन मल्टीपल में हो, टू फंक्शंस, व्हेन टू फंक्शंस आर इन मल्टीपल, देन यूज बाय पार्ट्स मेथड। इसका खुद का अपना पर्सनल फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये होता है, फर्स्ट सेकंड dx, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, और पूरे का होल इंटीग्रेशन प्लस c। तो ध्यान रखें, जब दो फंक्शन मल्टीपल में हो तो उसे सॉल्व कराने के लिए हम इस बाईपास मेथड का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx प्लस c। अब पहला दूसरा कौन सा होगा, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन यूज आइले, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के लिए हम आइले के अनुसार उसको सिलेक्शन किया जाता है। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एल और फंक्शन, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एलजेब्रिक, T for trigonometric और E for exponential। Again repeat, first और second function का selection according to Eilert किया जाता है। इनके अनुसार जो पहले आएगा वो पहला बनेगा, और जो बाद में आएगा वो दूसरा बनेगा। I for inverse, L for log, A for algebraic, T for trigonometric, E for exponential, okay? For example, जैसे हमने लिख दिया बेटा इंटीग्रेशन x sin x dx। तो ये हमारा क्वेश्चन किसी पुराने तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम बाय पार्ट्स को यूज कराएंगे। अब ये x आपका एलजेब्रिक है और ये sin x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसमें एलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो ये पहले और ये बाद में, तो ये पहला बनेगा ये दूसरा बनेगा। यह लिखेंगे हम बाय पार्ट्स मेथड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और पूरे का होल इंटीग्रेशन प्लस। यानी जहां पर पुराने मेथड यूज ना होंगे वहां पर सब ये बाईपास यूज होगा। इंटीग्रेशन x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, x का डिफरेंशिएशन 1, sin का माइनस cos x dx प्लस। फाइनली आंसर इंटीग्रेशन माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस। तो हम इस तरह से इस सब्स्टिट्यूशनल मेथड को बाय पार्ट्स को यूज कराते हैं। और देखिए एग्जांपल, जैसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन x e पावर x dx, तो x एलजेब्रिक, e पावर x ट्रिग्नोमेट्रिक, एलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल e पावर x, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये क्या लिख देंगे बाय पार्ट्स मेथड। फॉर्मूला बोले, फर्स्ट इंटीग्रेशन
डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल प्लस. ओके, देन इंटीग्रेशन एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस एक्स का वन ई एक्स डी एक्स, एक्स ई एक्स ई एक्स प्लस सी और ई एक्स कॉमन एक्स माइनस सी. ये हमारा फोरियर फाइनल आंसर. तो इस तरह से हम बाई पार्ट्स को यूज कराते हैं. और देखिए नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और नंबर फोर्थ इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स. अब ये हमारा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक एक ही फंक्शन है. तो बात सुने, जब लॉग वाले फंक्शन और इनवर्स फंक्शन अकेले हो, अगेन रिपीट, जब लॉग फंक्शन और इनवर्स फंक्शन अकेले हो तो उस कंडीशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x into 1 dx, इसे भी ऐसे लिख सकते हैं sin inverse x into 1 dx. तो जब log फंक्शन और इनवर्स फंक्शन अकेले हो तो उस कंडीशन में इसे फर्स्ट, ये जो वाले इसे सेकेंड फंक्शन यूज किया जाता है, फर्स्ट सेकेंड. फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब log और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेले हो तो उस कंडीशन में वन को एज अ सेकंड फंक्शन यूज किया जाता है. अब यहां क्या लिखते हैं, बाईपार्ट्स मेथड फॉर्मूला, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल इंटीग्रेशन. तो ध्यान रखें, लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब अकेले हो उस कंडीशन में वन एज अ सेकंड फंक्शन यूज होगा. लॉग एक्स इनटू वन का एक्स, लॉग एक्स डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, एक्स ये कैंसिल, एक्स लॉग एक्स और वन का एक्स प्लस सी एक्स कॉमन लॉग एक्स माइनस वन प्लस. सेम सिमिलर इनवर्स फंक्शन अकेला है तो उस कंडीशन में वन बाय इज़ अ सेकंड फंक्शन यूज कराया. और यहां पे भी क्या करते हैं, बाईपास मेथड फॉर्मूला बोले, पहला फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, कराइए इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स वन का एक्स माइनस दिस डिफरेंशिएशन वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस. ओके, और यहाँ एक्स और एक्स स्क्वायर, तो इसे सॉल्व कराने के लिए सब्सटीट्यूशनल मेथड, ध्यान रखना मेन पार्ट इंटीग्रेशन का सब्सटीट्यूशनल मेथड ही होता है. तो पुट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू टू डी डी टी, टू से टू कैंसिल, इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स डी एक्स माइनस टी डी टी टी स्क्वायर टी, टी से टी कैंसिल, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस टी प्लस सी. तो एक्स साइन इनवर्स एक्स और t की वैल्यू 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 6. तो इस तरह से बाई पार्ट्स को यूज कराते हैं. क्लियर, अगेन रिपीट, जब log फंक्शन अकेले हो या इनवर्स फंक्शन अकेले हो तो उस कंडीशन में हम वन को एज अ सेकंड फंक्शन यूज कराते हैं. क्लियर, और देखिए नंबर फाइव,
इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर पावर 3 बाय 2। ओके कहां से शुरू होगा पहले तो पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे x इक्वल टू tan t और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर t dt इंटीग्रेशन इस x की जगह tan t tan इनवर्स x की जगह t dx की जगह sec स्क्वायर t dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x पावर 3 बाय 2। ओके tan t t sec स्क्वायर t dt और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस sec स्क्वायर x t 1 प्लस sec स्क्वायर t sec स्क्वायर t स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल sec t पहले थोड़ी सी दिखना बैठते चल के लिए t tan t dt और देन इससे कैंसिल sec इसको भी चेंज करा लीजिए sin cos में t sin t upon cos t ये क्या हो जाएगा आपका 1 upon cos t dt ये कैंसिल फाइनली जो बन के आया वो t sin t dt तो आपका सब्स्टिट्यूट ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन के आया ये आपका एल्जेब्रिक और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक तो आई एल ए टी फर्स्ट ये सेकंड यहाँ क्या लिखते हैं बेटा आई आर्क्स मेथड फॉर्मूला बोले पहला इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन होल इंटीग्रेशन करा दीजिए इंटीग्रेशन t sin t का माइनस cos t 1 माइनस cos t माइनस t cos t माइनस माइनस प्लस cos t प्लस c। अब हमें इस t को वापस x पे कन्वर्ट करना होगा बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू है tan t की हमारे पास वैल्यू किसकी है tan t की x और tan क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस इससे हाइपोटेनियस क्या रहेगा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर हमारे पास किसकी वैल्यू है tan t की tan t क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर x बेस 1 तो हाइपोटेनियस तो इससे क्या हो जाएगा माइनस t की जगह तो tan इनवर्स x इनटू cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस ये क्या होता है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस प्लस सी तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बाईपास मेथड। ओके थैंक यू धन्यवाद।